अस्सलाम वालेकुम मोहसस प्राइमरी स्कूल टीचर्स डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील डस्का तहसील समड़ियाल तहसील पसरूर तहसील सियालकोट बैच नंबर 19 जिसके अंदर तमाम ये चारों तहसीलें मर्ज थी जिनकी ट्रेनिंग 26 अगस्त से 28 अगस्त तक हुई थी। ये राउंड टू था। राउंड वन के अंदर वन बाई वन हर पार्टिसिपेंट की अपनी तहसील के अंदर हुई थी, लेकिन राउंड टू के अंदर जो है वो तमाम तहसीलों की तहसील डस्का के अंदर जो है वो ट्रेनिंग हुई थी। अभी हमें जो असाइनमेंट मिली है कि जी आज ये लॉक हो जाएंगी तमाम पार्टिसिपेंट की जो अटेंडेंस हैं, तो आप काइंडली अपने जो भी किसी का अगर इशू है तो वो रिजॉल्व कर लें। तो बजाय ये क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा बैच थे तो हम इनको वन बाय वन कॉपी करते और कॉपी करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते, तो इसके लिए मैंने ये बेस्ट समझा है कि मैं एक आपकी वीडियो बना ली जाए इस अटेंडेंस शीट की, ताकि आप लोग अपनी अटेंडेंस को देख लें। अगर किसी का इशू है तो वो विद प्रूफ जो है वो मेरे साथ शेयर करे तो हम उसकी अटेंडेंस उसको प्रेजेंट कर देंगे। तो ये पार्टिसिपेंट का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और लास्ट के ऊपर उसके डेज वाइज जो है वो उसकी अटेंडेंस को मार्क किया गया है। तो जैसा कि मैडम की है पहले नंबर पे ही, तो इनके तीनों डेज की है तो उसको सेव कर दिया गया हुआ है। तो बगैर टाइम जाए किए मैं इसको स्क्रोल करूंगा, आप अपने थोड़ा सा स्लोली मैं करूंगा, लेकिन अगर आपका नाम जो है वो आए तो आप उस वीडियो को पास कर लें और अपने डेज को अकॉर्डिंगली चेक कर लें आपने तीनों दिन अटेंडेंस की है कि नहीं है। मैं इसको स्क्रोल करने लगा हूं, काइंडली तमाम लोग जो है वो चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये मैं साथ साथ बात भी करता जाऊंगा। इसके अंदर ये है कि ये आपने परेशान नहीं होना कि जी हमारी हमने अटेंडेंस जो है, जिस तरह ये अल्लाह दिता साहब है उन्होंने एक दिन अटेंडेंस उनकी हुई है, दो दिन की नहीं है, तो कोई परेशान वाली बात नहीं है। आपने जो है हायर अथॉरिटीज जो है वो अगर किसी ने एक दिन अटेंडेंस की है हुई है उसकी, दो दिन उसकी नहीं हुई, तो उसको दोबारा दो दिन की ट्रेनिंग करवा ली जाएगी। अगर किसी का एक दिन का इशू है तो उसको एक दिन की हो जाएगी, लेकिन विदाउट थ्री डेज अटेंडेंस आप लोगों के सर्टिफिकेट्स प्रिंट नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आज ग्रुप के अंदर बताया भी था, ईसीई की जो है हमने अटेंडेंस जो है सॉरी आपके ग्रेडिंग कर दी है, वो आप लोगों को सर्टिफिकेट जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों की अटेंडेंस जो है वो थ्री डेज की पूरी कंप्लीट नहीं होगी उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हाँ, तीनों दिन अगर होंगे देन आपको सर्टिफिकेट आपका प्रिंट आउट होगा। और एक्टिविटीज आपने देखी हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर किसी के तीनों दिन वो एबसेंट था और उसने एक्टिविटीज परफॉर्म कर दी हैं तो नो इशू, लेकिन अगेन उसको सर्टिफिकेट नहीं प्रिंट होगा। वो पहले तीन दिन की ट्रेनिंग लेगा और देन जो है उसकी प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी। तो ये देखते जाएं वन बाय वन मूव हो रहे हैं जो है पार्टिसिपेंट के नेम, तो उसको देख के ध्यान से पास कर लीजिएगा। लेकिन तंग ना कीजिएगा, अगर किसी का वाकई ही जेन्युइन इशू है और तीन दिन वो प्रेजेंट था तो तब वो विद प्रूफ सेंड करे। हाँ, अगर वो किसी और ग्रुप में चला गया, किसी और ग्रुप को उसने ज्वाइन कर लिया, तो आप वो कहे कि मैंने तीनों दिन प्रेजेंट तो वो था लेकिन वो किसी और ग्रुप में था, तो हम उसको एंटरटेन नहीं कर सकेंगे। वो हमारे ग्रुप के अंदर हो, क्योंकि हमने जो सिस्टम लॉग्स हैं उनको वेरीफाई करना है, वह साथ मैच करने के बाद हम उसको कर सकेंगे। तो विद प्रूफ कीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं है कि जी आप लोगों का कोई और मसला बन जाएगा। जिनका एक दिन का मसला है उनकी दोबारा एक दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी, जिनके दो दिन का इशू है उनकी दो दिन की ट्रेनिंग हो जाएगी। तो इसको देखते जाएं, 50 पे हम पहुंच चुके हैं। इस वाहद ये बैच था जिसके अंदर हमारे पास तमाम तहसीलों के पार्टिसिपेंट थे, पसरूर समड़ियाल सियालकोट और डस्का के। बाकी जो है हम पहले तहसील डस्का की करवाते रहे हैं, उसके भी काफी बैच थे और ये जो है कम्बाइन थी। जस्ट टाइम सेविंग के लिए जस्ट ये किया गया है, नहीं तो आपके साथ जो है वो शेयर की जा सकती थी, शीट भी शेयर की जा सकती है। लेकिन अगर आपका कोई इशू है तो आज ही आपने बताना है, आज ही रिजॉल्व होगा, क्योंकि बाद में मेरे अकाउंट से जो है वो ये इसकी एक्सेस खत्म हो जाएगी। तो बाद में अगर आप बोलेंगे कल बोलेंगे तो हम नहीं कर सकेंगे। अभी आपका जो भी इशू है वो अभी आज ही डिस्कस करेंगे, देन हम इसको आपको प्रेजेंट या एब्सेंट आप कर सकेंगे, अदरवाइज हम बाद में नहीं कर सकेंगे। अपने नेम को देख लीजिएगा और वीडियो को पास करके चेक करते जाइएगा। आई थिंक सो ये करीब लास्ट पे हम जा रहे हैं, तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाकी बैच की भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करें कॉल्स की बजाय व्हाट्सएप मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के ऊपर जो है वो बता दें, ताकि जो भी आपका प्रूफ है
हम तक पहुंचेगा। 109 पार्टिसिपेंट थे इस ग्रुप के अंदर, तो सारे के सारे हो चुके हैं, उनको मैंने शो अप करवा दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।